नमस्कार। आज मीरा के पद इस पाठ के लिए हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? तो ए ऑप्शन है बाग बगीचे लगाने को, ऊंचे महल बनवाने को, दासी बनने को या सभी। तो इसका सही जवाब है सभी, यानी कि सभी काम वह करना चाहती है। श्री कृष्ण यदि उसे मिल जाए तो वह बाग बगीचे, ऊंचे महल या दासी भी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरि आप हरो जनरी भीड़, इन पंक्तियों पर प्रकाश डाले। तो इसमें ये कहा गया है कि हे ईश्वर, हरि यानी हे ईश्वर, जैसे आपने अपने सभी भक्तों के दुख हरे हैं, मेरे भी कष्ट हरो, मेरे भी दुख उसी प्रकार से दूर कर दो जैसे कि आपने अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर किया है। क्वेश्चन आता है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, इस पंक्ति पर भाव प्रकट करना है। बूढ़ तो गजराज यहाँ पर कौन है? हाथी हैं, एरावत हैं। और जैसे आपने एरावत को मगरमच्छ से बचाया, वैसे ही हमें भी मुश्किल से बचाओ। मीराबाई ये कहती हैं, जैसे अपने एरावत को मगरमच्छ से बचाया, ये भाव है इस पंक्ति में। उसके बाद क्वेश्चन आता है, चाकरी में दर्शन पाशू सुमरण पाशू खर्ची, इस पंक्ति में मीरा क्या कह रही हैं? तो मीरा कहती हैं, दासी बन मीरा श्री कृष्ण के पास रहेगी और उसे उनको याद भी नहीं करना पड़ेगा। चाकरी यानी दास बनकर, दास बनकर मैं कृष्ण भगवान के दर्शन पालूंगी और इस प्रकार से उनको याद भी नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न आता है, मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? तो मीरा के कृष्ण के पास रहने से उसके भक्ति भाव का साम्राज्य बढ़ेगा। प्रश्न आता है, श्री कृष्ण किसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए? तो द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था, वहाँ पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाया था। प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के कौन से फ़ायदे बताती हैं? तो उसे हमेशा दर्शन मिलते रहेंगे, श्री कृष्ण को याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और भक्ति भाव का साम्राज्य भी बढ़ेगा। तो तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न आता है, मीरा के पद किस भाव को प्रकट करते हैं? तो कृष्ण के भक्ति भाव को मीरा के पद के द्वारा प्रकट किया जाता है, जिसमें मीरा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित करती हैं। प्रश्न आता है, मीरा श्री कृष्ण के दर्शन किस रंग की साड़ी पहन के करना चाहती हैं? तो वो कुसुम्बी कलर की साड़ी जो है वह पहन करके उनके दर्शन करना चाहती हैं। मीरा श्री कृष्ण के घूमने के लिए क्या बनाना चाहती हैं? वो बनाना चाहती है बाग बगीचे। प्रश्न है कि मीरा के काव्य की कितनी कृतियाँ उपलब्ध हैं? तो अभी तक उनका जो कार्य है उसकी 7-8 कृतियाँ उपलब्ध हैं। प्रश्न है, मीरा के अनुसार श्री कृष्ण कहाँ गाय चराते हुए सबका मन मोह लेते हैं? तो वृंदावन में वह गाय चराते हुए सबका मन मोह लेते हैं। मीरा हर रोज़ उठकर के, सुबह उठकर के किसके दर्शन करना चाहती है? श्री कृष्ण के, क्योंकि उसको लगन लग गई थी कृष्णा के प्रेम की। प्रश्न है, एरावत हाथी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने किसको मारा था? तो मगरमच्छ को उन्होंने मारा था, सही जवाब सी है। प्रश्न आता है, मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहाँ पर मिलना चाहती हैं? तो यमुना के तट पर मिलना चाहती हैं। प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है? तो वह कहती है, जैसे सभी भक्तों द्रौपदी का प्रहलाद का साथ दिया, वैसे ही उसकी भी पीड़ा का हरण करूं। प्रश्न है, मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, उसे परिवार की तरफ से काफ़ी कष्ट दिए गए थे, इसलिए वह
वृंदावन चली गई थी। मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य किस रूप में संकल्पित किए गए हैं? तो उनके आराध्य जो हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण। प्रश्न है, मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जोधपुर के चोकड़ी में 1503 में उनका जन्म हुआ था। मीरा के पद किसको संबोधित किए गए हैं? अपने आराध्य को यानी श्री कृष्ण को। प्रश्न है, मीरा की शादी कौन सी आयु में हुई थी? तो मात्र 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी। प्रश्न है, मीरा कौन सी भाषाओं की कवयित्री मानी जाती हैं? राजस्थानी और गुजराती की मानी जाती है। प्रश्न है, मीरा की शादी किससे हुई? तो मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर थे यानी बेटा जो था उनका पुत्र का नाम था भोजराज, तो भोजराज से उनकी शादी हुई थी। प्रश्न आता है, मीरा किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की वह शिष्या थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मीरा की भक्ति किस तरह की है? दैन्य और मधुर भाव की उसकी भक्ति है। मीरा के पदों में किन भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है? तो राजस्थानी, ब्रज और गुजराती सभी भाषाओं का मिश्रण उनके पदों में पाया जाता है। किसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था? आपने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, जब उन्हें जलाया जाता है तो वो नरसिंह का रूप धारण करके उन्हें बचा लेते हैं। दूसरे पद में, मीरा भाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? तो श्री कृष्ण के नज़दीक रहने के लिए वो कृष्णा की चाकरी यानी नौकरी करना चाहती हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? पीताम्बर मनमोहक रूप में उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है। पीताम्बर का यहाँ तात्पर्य होता है पीले वस्त्र पहने हुए। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो उनकी भाषा सरल है, सहज है और आम बोलचाल में जो हम शब्द प्रयोग में लाते हैं वही भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सभी उत्तर जो है सही है। ये मैंने आपको आज इस पाठ के जो मीरा का पद पाठ है इसके वन लाइनर्स क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और किसी और चैप्टर के आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको अपने नेक्स्ट जो और वीडियोस हैं चैनल पे उनके स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। अगर इन वीडियोस में आपको किसी की भी ज़रूरत है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक मैंने दिए हैं, वहाँ पर जाकर के आप स्टडी कर सकते हो। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो और स्टूडेंट्स को भी शेयर ज़रूर करना, जिससे सभी को इन वीडियोस के बारे में जानकारी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।